भागलपुर के पुलिस जिला नवगछा में गंगा और कोसी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिले की नदियों में पिछले दिनों हुए पानी में बढ़ोतरी के कारण सैकड़ों गांव के करीब लाखों लोग उससे प्रभावित हुए हैं। यह सभी लोग ऊंचा स्थान ढूंढकर अपने मवेशी और परिवार के संग किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। बीपुर और गोपालपुर इलाके के करीब सैकड़ों ग्रामीणों ने अपना आशियाना भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में बना रखा है, जहाँ पर मवेशी समेत पूरे परिवार रहने को मजबूर है। इस बार बाढ़ पीड़ित के लिए अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से सिर्फ पॉलीथिन मिला है। वहीं पॉलीथिन को टांग कर बाढ़ पीड़ित अपने बच्चों के साथ किसी तरह रह रहे हैं। बाढ़ पीड़ित का कहना है कि अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से ना ही मवेशी के लिए चारा मिला है, ना ही हम लोगों को खाने के लिए कुछ मिला है। हम लोग किसी तरह सूखा खाना खा कर रह रहे हैं। 15 दिन रह गए। की मिले जिला प्रशासन? कुछ भी नहीं मिल रहा है अभी तक। पॉलीथिन वगैरह पॉलीथिन से एक टाइम मिल रहा है 10 परिवार में। खाना कोई व्यवस्था अभी नहीं हो रही। खाना बना के सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। हमेशा किन्हीं कारणों की वजह से सुर्खियों में बने रहने वाले जदयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से चर्चा में आए थे, जब उन्होंने अपनी ही पार्टी के सांसद आरती पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। अब गोपाल मंडल के बयान पर सांसद अजय मंडल ने पलटवार कर दिया। नवगछे में बाढ़ पीड़ितों से मिलने एवं जन्माष्टमी पर गोसाई गांव में घूमने के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ठेठ अंदाज में कहा कि गोपाल भैया का झारखंड से आवे वाला लाल पानी वाला चीज के नतीजा से बोले छे। देखो, गोपाल बाबू का आपत्तिजनक बयान दैर आदत नहीं छे, उनको कोई हुक्रम दोष नहीं छे, बुझलो ने। आज कल जे हो झारखंडो से आवन है बोतलोम करी के होकर है चक्रम में दे दे छे, इतने बात छे। सुनिए, हम अकेले घर शिफ्ट कैसे करेंगे? ये सामान लाना ले जाना ओफो। अकेले नहीं, हमारे साथ है मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, जो हाउस होल्ड गुड्स पैकिंग एंड शिफ्टिंग, लोकल एंड आउटडोर शिफ्टिंग, ऑफिस फर्नीचर शिफ्टिंग कराते हैं कहीं भी कभी भी। वाहन दुर्घटना में मौत के बाद सरकार के द्वारा मुआवजा राशि पाने को लेकर मृतक पुत्र के पिता 2 साल से लगातार अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। खगड़िया जिले के कटहरा गांव निवासी बिरजू और सचिन का सड़क दुर्घटना में 2 जुलाई 2022 को मौत हो गया था। घटना के बाद से सरकार के द्वारा मिलने वाले मुआवजा राशि पाने को लेकर बिरजू और सचिन के परिवार लगातार खगड़िया से लेकर भागलपुर के आयुक्त कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको मुआवजा नहीं मिल पाया है। मामला यही दुर्घटना वाला, अब क्षतिपूर्ति मेरे को नहीं मिला है। हम लोग 2 साल से इसके पीछे गरीब आदमी बुर रहे हैं, नोट खर्च कर रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं कोई भी। बच्चे हमारे एक्सीडेंट हो गया। भागलपुर शहरवासी पैसा ना रहे, इसको लेकर स्मार्ट सिटी योजना के तहत बुड़को कार्य एजेंसी के द्वारा सड़कों पर पाइप बिछाया गया। पाइप इसलिए बिछाया गया था कि सभी के घरों में शुद्ध पीने योग्य पानी मिले, लेकिन पिछले 1 साल से बुड़को कार्य एजेंसी के द्वारा पाइप बिछाने के लिए सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे को बनाकर छोड़ दिया गया। इस गड्ढे के कारण अभी तक घरों में पानी तो नहीं पहुंचा, लेकिन दक्षिणी क्षेत्र के लोग को परेशान कर दिया। अभी बरसात का मौसम है और सड़कों पर इस तरह गड्ढे को छोड़ दिया गया है, इससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दक्षिणी क्षेत्र के लोगों का कहना है कि जिस समय यहां पर बुड़को के द्वारा पानी का पाइप बिछाया जा रहा था, उसी समय यहां पर कार्य करवाने वाली एजेंसी की इंजीनियर एवं संवेदक को भी कहा गया था कि यहां के लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होगा। यदि आपके द्वारा सड़कों को गड्ढे खोदा जा रहा है तो उस गड्ढे को तुरंत मरम्मत कर दें। उनके द्वारा आश्वासन भी मिला था, जैसे जैसे गड्ढे खोदा जाएगा उसी तरह से गड्ढे को तुरंत कंक्रीट के जरिए भर दिया जाएगा, लेकिन 1 साल पहले जो गड्ढे को खोदा गया है वो अभी तक गड्ढा ही छोड़ दिया गया है। दक्षिणी क्षेत्र में गड्ढा नहीं हुआ है, पूरे दक्षिणी क्षेत्र गड्ढा में है। आज बुडको के द्वारा पूरा गली गली कोड़ दिया गया है, कोई उसका सुनवाई नहीं रहा है, कोई सूद लेने को तैयार नहीं है। कितने बार हमने अपने सदन में इस बात की चर्चा की है, नगर आयुक्त महोदय को हमने मौके बोला है, लेकिन आज तक कहीं पे भी एक भी गड्ढा को भरा नहीं गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं RTI जागरूकता संगठन भारत अनवरत गरीब असहाय व लाचार लोगों की निस्वार्थ सहायता करती आई है। बीते दिनों इस संगठन के द्वारा कई जगहों पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सूखा राशन वितरण किया गया। बीते संध्या में नवगछा पुलिस जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र स्थित बुद्धुचक रिंग बांध पर हजारों जरूरतमंद लोगों को बाढ़ राहत सामग्री वितरित की गई। सुरक्षा की दृष्टि से गोपालपुर थाना अध्यक्ष अपने दलबल के साथ मौजूद रहे और सूखा राशन वितरण में सहयोग करते दिखे।
सुल्तानगंज लॉयंस क्लब सुल्तानगंज के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व लॉयंस क्लब सुल्तानगंज के अध्यक्ष डॉक्टर राम कुमार गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में लॉयंस क्लब सुल्तानगंज के अध्यक्ष डॉक्टर राम कुमार गुप्ता, लॉयंस क्लब के सदस्य निर्मल कुमार सिंघानिया, किशोर कुमार गुप्ता, राजीव कुमार गुप्ता, राजकिशोर गुप्ता, अरुण कुमार सहित इत्यादि लोगों ने दर्जनों वृक्ष लगाकर पर्यावरण की रक्षा के लिए संदेश दिए। इस दौरान लॉयंस क्लब सुल्तानगंज के अध्यक्ष डॉक्टर राम कुमार गुप्ता एवं निर्मल कुमार सिंघानिया ने बताया कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हर एक व्यक्ति को एक वृक्ष लगाना अति आवश्यक है। वृक्षारोपण का कार्यक्रम किए जो लॉयंस क्लब के द्वारा यह अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और पूरे देश में हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ जहाँ क्लब है वहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम से क्या संदेश देना चाहते हैं सभी लोगों को? वृक्षारोपण कार्यक्रम इस सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूरे वातावरण को हरियाली बनाया जाता है और इससे आपको ऑक्सीजन की प्राप्ति पर्याप्त मात्रा में होती है। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।